एपिसोड की स्टार्टिंग में आर आर आई अपना नॉर्मल स्कूल से घर जा रहा होता है तभी उसको स्कूल के बाहर हाजी कुची मिलती है अब हाजी कुची एक घोस्ट है और उसको सिर्फ़ आर आर आई देख सकता है इसलिए वो आर आर आई के आसपास हमें कई बार देखने को मिलती है क्योंकि वो एक घोस्ट है भाई टाइम पास तो घोस्ट को भी करना होता है उसके पास बात करने के लिए और कोई नहीं है वो मतलब किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि उससे और कोई देख ही नहीं सकता तो आर आर आई के पास आ जाती है हमें और उससे नॉर्मल कन्वर्जेशन करती रहती है तो इससे पूछती है कि तुम क्या घर जा रहे हो तो ये कहता है कि नहीं मेरे मिट्टा आने वाले हैं तो इसलिए मैं संजू का हारा के घर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो अभी बोलते संजू का हारा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना तो एग्ज़ाम से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना मतलब वो इतनी निब्बा नब्बी वाली हरकतें करोगे तुम दोनों तो तुम्हारे ग्रेड उससे ख़राब हो सकते हैं तो थोड़ा संभल के पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेना ऐसे चिढ़ाती है इसको तो नोक झोंक करते अपना घर जा रहे होते हैं तभी एकदम से इसके सामने ना एक लड़की आती है अर आर ये के मतलब जंप मार के आती है इसके ऊपर से और ये इसकी एक जूनियर होती है इसका नाम कानावर है और आते इसको हाई बोलती है तो ये भी रिवर्स में हाई बोलता है तो बोलती है कि कहाँ जा रहे हो ऐसे नॉर्मल बातचीत करती है इससे क्या हाल है तुम्हारा तो ये भी पूछता है हाल बढ़िया है और क्या चल रहा है तो ये लड़की जो है ना ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो बोलता है कि तुम तो बास्केटबॉल प्लेयर हो ना हमारे स्कूल के अंदर तो तुम यहाँ क्या टाइम पास कर रही हो तो तुम्हें तो अभी अपने प्रैक्टिस में होना चाहिए था क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो ये बोलती है कि हाँ मेरे हाथ में ना थोड़ी चोट लग गई है इसलिए मैं थोड़ा घूम रही थी और देखो कॉन्फिडेंस हम दोनों मिल गए तो ये बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं तुम मेरा पीछा कर रही थी और मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ क्या काम है तुम्हें मेरे से तो ये लड़की बोलती है इसको कि बस ऐसे ही कुछ नहीं सीरियसली ये वर्ड आता है इस एनीमे के अंदर कि मैं तो तुमसे इंडियन आई टी सेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें पूछने आई थी यहाँ पे तो वो बोलता है कि तुम मेरे से करंट अफेयर्स पूछने आई हो कहती है कि हाँ तो कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है आज और मुझे सच से बताओ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो मतलब क्यों मेरे पास आई हो तो ये बोलती है कि नहीं बस और क्या कर रहे हो आजकल मैं यही पूछना चाह रही थी तुमसे तो ये कहता है कुछ नहीं बस एग्जाम आने वाले तो उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये इसको बोलती है कि तेरा घर तो दूसरी साइड है ना तो इस साइड कहाँ पढ़ाई करने जा रहा है तो ये बोलता है कि मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रहा हूँ जिसके ग्रेड थोड़े अच्छा आते हैं वो मुझे पढ़ा देगी तो ऐ ये वर्ड सुनते ही ये काना उसको बोलती है तो तुम का हरा के घर जा तो रहे हो तो अर्रगी का दिमाग थोड़ा ठनकता है तो ये बोलता है तुम का हरा को कैसे जानते हो तो इसका रिप्लाई ये होता है कि तुम तुमने बोला ना तुम्हारी क्लास में जिसके ग्रेड अच्छा आते हैं तो तुम्हारी क्लास में संजू हरा के ग्रेड अच्छा आते हैं पर अब हम लोगों को एक बात पता है इनकी क्लास की टॉपर हाने कहवा और पूरे स्कूल में बात फैली हुई है कि हाने कावा टॉपर है फिर भी ये लड़की संजू संजूगाहरा के बारे में बात करती है तो ये चीज़ ना आर लड़की के दिमाग में लगती है कि ये संजूगा हरा का नाम क्यों ले रही है तो ये कहता है कि हाँ मैं संजूगा हरा के घर ही जा रहा हूँ तो ये बोलती कि अच्छा चलो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ मतलब यहाँ ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के पूछने आई थी कन्फर्म करने की हारा किससे मिलता है बात करता है कि नहीं और संजू का नाम सुनते ये वहाँ से चली जाती है अब ये बंदा संजू हारा के घर जाता है और नॉर्मल थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है तो बहुत ही तरीके से पहले तो ऐसे पूछता है कि तुम्हारा जो वो स्टेपलर था ना क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था स्नेक स्टेपलर का यूज़ करके इसको मार दिया था लगभग संजू का हारा ने आर आगी वो तुम्हारा वो स्टेपलर का है तो ये बोलती है कि क्या मैं स्टेपलर सारे दिन अपने साथ लेके घूमूंगी तो ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चलो इसका सभी कोई वेपन नहीं है फिर पूछता है कि तुम पहले ट्रैक टीम में थी ना जूनियर हाई स्कूल में तो ये कहती है कि हाँ तो तुमने ट्रैक टीम को छोड़ दी कहती है कि बस ऐसे ही फिर ऐसी घुमा फिरा के से पूछता है कि क्या तुम काना को जानते हो तो पहले तो ये, ये, तो ये कैजुअल आंसर देती है कि हाँ वो मतलब जूनियर हाई में मेरी जूनियर थी और वो बास्केटबॉल टीम में थी एकदम से कानावरों का नाम सुनते हैं फिर खत्म घूमते एक सेकंड तुम कानावरों को कैसे जानते हो और इसके हाथ में जो पैन होता है ना भाई लिटरली सीन देखने लायक है पैन को ना इसकी आँख के पास ला देती है और उसको भी अपन बना के पूछती है कि तुम कानावरों को कैसे जानते हो और मुझे बताओ क्या खिचड़ी चल रही है तो ये भी भाई कोई भी डर जाएगा जिसकी आँख के पास पैन होगा भाई तो ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं फिर इसको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता है कि ऐसे ऐसे कानावर उसको मिली और बताता है कि हमारी क्लास के टॉपर तो हारने का हुआ है ना तो उसने टॉपर का नाम सुन के संजू का हारा तुम्हारा नाम लिया इसलिए मैं थोड़ा क्यूरोसिटी मेरे मन में जागी कि क्या तुम उसको पहले से जानते हो तो ये सारी बातें सुन के थोड़ा शांत हो जाती है और फिर उसको बोलते हैं कि हाँ मैं उसको पहले से जानती हूँ और वो मेरे साथ स्कूल में थी जूनियर हाई में और हम थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज थे मतलब ये इसको थोड़ा बताती है स्टोरी कि हाई स्कूल में जिस टाइम संजु गा पढ़ती थी तो कानाबू इसके काफ़ी क्लोज थी एक दूसरे का काफ़ी ध्यान रखते थे पर कानाबू उसको एज अ मतलब क्रश की तरह देखती थी संजु गहरा को और संजु गा उसको नॉर्मल फ्रेंड की तरह मतलब कानबा उसको पसंद करती थी वही लेसबियन वाला सीन तो संजू गहारा को जब ये क्रैब क्रश हुआ जो हमने क्रैब कस्ट वाला फर्स्ट एपिसोड में देखा था उसके बाद संजूघ हारा दूर दूर रहने लगी कानाबारों से और कानावारों को ये चीज़ पता चल गई थी आर आर से पहले ही मतलब जो आर आर ने इसका ट्रीटमेंट किया था कर्स का और वो उसकी हेल्प करने आई भी थी इसके पास पर जो चीज़ संजू घहरा ने आर आर के साथ कही थी मतलब उसको डरा के भगा दिया था वो ही उसने कानाबारों के साथ करी और उसके बाद काना बारो उसके साथ पास कभी नहीं आई थी उसको काफ़ी टाइम हो गया तो अब इसको लगता है कि इस चीज़ से अरा रगी को लगता है कि इतने टाइम बाद क्योंकि कानाबारू बारू पसंद करती थी संजू गहारा को तो जब उसको पता चला होगा कि अरा रागी संजू गहरा का बॉयफ्रेंड है तो शायद वो सिर्फ पता करने आई हो कि वो लड़का कैसा है कौन है मतलब जो अरा संजू गहारा का बॉयफ्रेंड है तो अरा रगी को ये चीज़ नॉर्मल लगती है तो उसको बोलती है कि चलो फिर मैं चलता हूँ मतलब ये बाय बोलकर सब चीज़ें पूछे चला जाता है तो फिर भी इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है तो ये हानिकावा को कॉल करता है और हानिकाहवा को बोलता है कि तुम हाई स्कूल में संजू काहरा के साथ पढ़ती थी ना तो क्या तुम काना को भी जानती हो तो काना का नाम सुनते ही बोलते है कि हाँ मैं जानती हूँ उसको और तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो तो इसको पूरी चीज़ें बताता है कि ऐसे ऐसे उसको मिली पूरा तो बोलता है कि तो अच्छा मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मतलब जासूसी कर रहे हो तो इसको बताती है कि हाई स्कूल में इन दोनों को ना लोग बारह हरा बोलते थे बारह हरा वर्ड मतलब काना बारो का बारा और हारा का का हारा का हारा लेकर लोगों ने बनाया था क्योंकि ये दोनों इतना ज़्यादा क्लोज थे संजु का हारा और काना बारो कि इनको लोग बारह हारा बोलते थे तो बारह हारा कम कैम्बो कैम्बो और बोलते कि मुझे ज़्यादा इसका नहीं पता पर दोनों बहुत क्लोज थे और फिर ये इसको एक चेतावनी देती है कि देखो जो संजु का हारा है ना वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लड़की है और भली वो तेरी अब गर्लफ्रेंड बन गई हो तो पर मैं तेरे को यही एक सजेशन दूंगी तो उसके ज़्यादा पास्ट के अंदर ना घुसने की ज़रूरत नहीं है देखो और अभी तुम रिलेशनशिप में नए नए आए हो तो इन चीज़ों की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है तो इस पर अर अरे आर की बोलते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे नॉर्मल पूछ रहा था तुमसे और इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू बोल के फ़ोन काट देता है अभी अपने घर के साइड जा ही रहा होता है तो एकदम से उसको याद आता है कि संजुक आरा ने ना इसको कुछ पैसे दिए थे ओसिनो को देने के लिए क्योंकि ओसिनो ने इसकी हेल्प करी थी कर्ज से रिलीज मुफ्त कराने के लिए तो ये उस लिफाफे को चेक करने लगता है कि पहले उसी के घर पासा लगाता हूँ पैसे देने से लिए तो इसको देखता है कि इसकी जेब में ना पैसे नहीं होते तो इसको रिलइजेशन होता है कि इसने वो पैसे वहीं छोड़ दिए हैं संजू गाहरा के घर पर तो ये मुड़ के मुड़ता है कि क्या मैं संजू घर के घर चला जाऊँ तो पीछे देखता है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है अब पता नहीं वो आदमी होता है और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो एकदम से आर आ पर अटैक करता है और ये सीन देखने लायक है एक ही पंच में ना भाई उसको बहुत दूर फेंक के मारता है मतलब लगभग आर आ का 95 फाइव के जी वेट है उसका एक पंच ना आर आ को बहुत दूर फेंकता है और वो मोस्टर की तरफ पर अटैक करता चला जाता है उसके खून निकल जाता है और ये रेलवे ट्रैक पर पड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद ये बेहोश होने ही वाला होता है तभी इसको ना मतलब वो मोस्टर वहाँ से चला जाता है किसी को देख के और इसके सामने ना संजू का हरा खड़ी होती है और ये संजू गारा बोलती है कि मैं तो तुम्हारा पीछा ही लिफाफा देने के लिए कर रही थी कि तुम पैसे मेरे पास छोड़ के आ गए थे और तुमने अपनी हालत ये कैसे करवा ली और ये संजू गारा को देख के थोड़ा रिलैक्स होता है और बस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है तो अब ये बंदा कौन है जिसने एकदम से इस अटैक करा कुछ नहीं पता ये सब चीज़ें मैं अगले एपिसोड में पता चलेगी तो अगर आपको ये सब जानना है और अब मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्का ही कर दें ऐसी और वीडियोज़ के लिए बात देखते रहे यानी मिर्जा टू को थैंक यू सो मच